सो हे गाइस, मैं सुजीत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंस गेजेस के बारे, उसमें आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं गेज के लिए, अगर उस वीडियो को नहीं देखे उस वीडियो में बताया हूं टेलीस्कोपिक, हेमिस्फेरिकल और बोर गेज उसके बारे डिस्कस किया हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर में आई बटन है वहां प्रेस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंस गेजेस के बारे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्लग गेज। प्लग गेज क्या होता है? तो प्लग गेज आप देख पा रहे होंगे, इसका जो यूज होता है, प्लग गेज इज यूज टू चेक द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर का जो हम लोग उसका डायमीटर को चेक करते हैं। मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है जिसमें ये आपको दिख रही होल, उसके होल को चेक करने में काम आती है प्लग गेज। प्लग गेज में भी और तरह का होता है, थ्रेड जो वर्कपीस में थ्रेड अंदर अगर इंटरनल पार्ट में थ्रेड बनी हुई तो थ्रेड तो प्लग थ्रेड गेज हम लोग उसमें यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे थ्रेड बनी हुई है, यहाँ पे थ्रेड बनी हुई है, ठीक है, ये आपका मान छोटे छोटे थ्रेड बनी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें चेक करती है प्लग थ्रेड गेज से। ठीक है, ये तो हो गया। और फिर हम लोग देखेंगे प्लग गेज में और एक गेज आता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज आर मेड इन अ बोथ प्लग एंड रिग टाइप। ठीक है, व्हेन चेकिंग द टेपर प्लग गेज इफ द गेज डज नॉट रॉक इन द होल इज द इंडिकेट दैट द एंगल इज करेक्ट। मतलब क्या होता है, टेपर एंगल जो यहाँ पे है एंगल, आप उससे क्या है ना वर्कपीस जो टेपर होते हैं उसमें क्या करता है, इसमें टेपर प्लग गेज से यूज करते हैं जहां तक वो इंडिकेट कर रहा है, जहां तक टच जा रहा है एंगल करेक्ट वहां तक करेक्ट है। ठीक है, ये एक गेज आता है प्लग गेज, टेपर प्लग गेज। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे रिंग गेज। रिंग गेज क्या होता है? रिंग गेज इज यूज टू चेक द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें भी दो तरह का आता है, देखेंगे हम लोग रिंग गेज। रिंग गेज इज यूज टू चेक द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लग गेज क्या था? इंटरनल डायमीटर चेक करता था। रिंग गेज क्या करता है? एक्सटर्नल डायमीटर का चेक करेगा। कोई भी शाफ्ट हुआ जिसका एक्सटर्नल जो डायमीटर है उसको चेक करता है रिंग गेज में। ठीक है, उसमें भी तीन तरह का होता है, एक रिंग गेज, एक थ्रेड रिंग गेज आता है और एक टेपर रिंग गेज आता है। ठीक है, जैसे ये देख पा रहे होंगे इस स्टार्टिंग में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हुआ रिंग गेज। ठीक है, ये थ्रेड गेज, इसमें थ्रेड वाला जो एक्सटर्नल पार्ट रहेगा उसको चेक करेगी और ये टेपर जो रहेगा वो टेपर चेक करेगी। ठीक है, रिंग में भी तीन तरह के होती है। फिर हम लोग देखेंगे स्नैप, स्नैप गेज। स्नैप गेज जो होता है इट इज यूज फॉर द आउटसाइड डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको भी हम लोग आउटसाइड ही इसका मेजर करते हैं, जैसे आप माइक्रोमीटर देखे होंगे आप। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में क्या होता है, आप उसमें मेजरिंग कर सकते हैं आप। ठीक हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, बट ये क्या होता है, एक गेज है उसमें चेक होगा। देखिए ये आता है, ये भी तीन तरह के आते हैं, एक आता है डबल एंडेड गेज, एक सिंगल एंडेड गेज और एक एडजस्टेबल स्नैप गेज, तीन तरह का आता है इसमें। ठीक है, ये देखिए ये एक हुआ गेज, इसमें दोनों तरह से आप चेक कर सकते हैं, जैसा डायमीटर का वर्कपीस है उस तरह से आप स्नैप गेज को लीजिए उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं। ये सिंगल एंडेड गेज, इसमें एक ही तरह एक ही रहेगा आप उसमें, ठीक है ना, उसमें चेक कर सकते हैं यहाँ पे वर्कपीस को। और एक एडजस्टेबल स्नैप गेज जिसमें से देख रहे हैं आप एनविल सब, इसको क्या एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्नैप गेज हुआ। फिर हम लोग देखेंगे पिलर गेज। तो पिलर गेज इज ऑल्सो कॉल्ड द थिकनेस गेज। अब पिलर गेज इज अ हैंड हेल्ड टूल यूज फॉर द मेजरिंग द गैप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डेट आर क्लोज टू अदर एंड इट कॉन्सिस्ट अ नंबर ऑफ ब्लेड ऑफ थिक फ्लेक्सीबल स्टील स्ट्रिप्स विच आर ग्रोन टू थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 0.03 to 1 mm तक। पिलर गेज क्या है? पिलर गेज एक तरफ से आप देख सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो गैप होता है, ठीक है ना, उसको मेजर करने के लिए पिलर गेज का यूज किया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग 0.50, 0.40, 0.35, 0.30, इसके अकॉर्डिंग इसमें उसका थिकनेस दिया जाता है। आप उसमें एक एक करके भर कर आप चेक कर सकते हैं, मिनिमम 0.03 से मैक्सिमम 1 mm तक का। ठीक है, इसमें हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। पिलर गेज का वही चीज होता है जिसमें हम लोग दोनों वर्कपीस के बीच का जो गैप होता है, दोनों का गैप को चेक करते हैं हम लोग पिलर गेज से। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे रेडियस गेज। रेडियस गेज आर यूज टू चेक द एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस। रेडियस गेज कंसिस्ट ऑफ शीट्स ऑफ ब्लेड्स ईच ऑफ विच इज स्टैम्प्ड विद अ करेस्पोंडिंग रेडियस। मतलब देखिए इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, इसके अकॉर्डिंग आप रेडियस गेज का काम है रेडियस मेजर करना एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे वायर गेज। तो वायर गेज आप नाम से ही सुन पा रहे हो जिसको वायर को मेजर करता है। द सीन्स प्रैक्टिकली वी यूज द गेज टू चेक द डायमीटर ऑफ द वायर, वी कैन कॉल दिस बाय द सिंगल नेम स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इसका जो है हम लोग वायर गेज के लिए हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसमें
डायमीटर दी हुई है जिसके अंदर आप उसमें इन करके आप चेक कर सकते हैं। इसका यूज होता है वायर गेज के लिए। फिर हम लोग देखेंगे टेपर गेज। टेपर गेज और टेपर पिलर गेज वर्क यूजली द सेम बेसिक प्रिंसिपल एज टाइपली पिलर गेज। जो पिलर गेज हम लोग देखे और ये टेपर गेज दोनों का काम ठीक है, उसमें भी आप गैप मेजर करते हैं, इसमें भी हम लोग गैप मेजर करते हैं। बट क्या है, इसमें टेपर भी हम लोग गैप को मेजर कर सकते हैं, बस इसी में दोनों का डिफरेंस है। लास्ट में हम लोग देखेंगे स्लिप गेज। स्लिप गेज आर ऑल्सो नोन एज द प्रिसीजन गेज ब्लॉक्स। ठीक है, इसमें बहुत एक्यूरेट हम लोग को मिलती है। इसका यूज होता है हाइट और गैप्स मेजरिंग करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को बहुत एक्यूरेट जरूरी बहुत प्रिसीजन जरूरत है, तभी हम लोग उसमें स्लिप गेज का हम लोग यूज करेंगे। यदि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्लिप्स है और ये स्लिप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्लिप्स रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे 0.02, 0.03, 0.1 mm से कम के भी है, 0.50, 0.60, इस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्लिप गेज है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्लिप गेज, जहाँ पे हाइट और गैप मेजरिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो जानकारी मैं दी आप समझ पाए। इसी तरह मैं और टेक्निकल वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।